पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जानवरों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाटन के किसानों से बात हुई है, छोटे जानवरों से किसान परेशान है। सड़कों पर आवारा मवेशियों को लेकर कांग्रेस 16 अगस्त को सड़क पर प्रदर्शन करेगी। बघेल ने सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आज मेरे निवास में पाटन विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उन्होंने बताया कि आवारा जानवरों से वो परेशान हो गए हैं। अब निर्णय हुआ है कि 15 अगस्त तक इन आवारा जानवरों की व्यवस्था कर ले, वरना जानवरों को एसडीएम कार्यालय के सामने ले जाकर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। यह राज्य सरकार की वजह से हो रहा है, गौठान बंद कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं की बैठक मेरे निवास में हुई और सभी साथियों ने चिंता व्यक्त की कि ये जो छुपा हुआ जानवर है उससे लोग परेशान है, क्योंकि अब रोपाई हो चुका है, किसान परेशान है अपनी फसल बचाने के लिए, और फसल बचाने के लिए किसान एक गांव से जो छुट्टा जानवर है उसे पकड़ के दूसरे गांव ले जाते हैं, तीसरे गांव छोड़ने जाते हैं, और ऐसे करीब करीब अधिकांश गांव की स्थिति है, उससे लोग परेशान हैं। तो हमारे विधानसभा कार्यकर्ताओं ने ये फैसला किया है कि एसडीएम को नोटिस दिया जाए, 15 अगस्त तक के जो छुपे जो जानवर है उसकी व्यवस्था कर ले, नहीं तो 16 तारीख को छुपे जानवर पूरे पाटन एसडीएम कार्यालय के सामने लाकर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय समस्या है और इसके निदान के लिए जब हम लोग सरकार में थे तो गौठान का निर्माण किया था। मुख्य उद्देश्य फसल को बचाना और दूसरा गौवंश को बचाना, उसकी सेवा करना।